प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह इस बार यदि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आने को कहते हैं तो भी उन्हें पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। वहीं किसी भी मौका परस्त नेता को भी पार्टी में जगह नहीं दी जाएगी। ये शब्द एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर सिंह डोगरा ने कहे। डोगरा ने कहा कि वर्ष 2012 के विधानसभा चुनावों से पहले वीरभद्र सिंह कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर कौल सिंह को हटाने की जिद पकड़े हुए थे। अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बनाने के लिए एनसीपी में शामिल होने का प्रस्ताव रखा। डोगरा ने कहा कि उनकी घोषणा के लिए दिल्ली में बाकायदा पत्रकार वार्ता की तैयारियां भी कर ली गई थी और पत्रकार वार्ता का आयोजन उनके द्वारा किया गया था, लेकिन कांग्रेस हाईकमान वीरभद्र सिंह के आगे झुक गई और वीरभद्र सिंह भी एनसीपी को भूल गए। उन्होंने कहा कि तब तो सीएम केंद्र से वापस लौटे थे, लेकिन आज वह प्रदेश के सीएम हैं और मौका प्रस्त परिस्थितियां फिर से वही हैं। चुनाव सिर पर हैं और सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बीच खींचतान चली हुई है। सीएम प्रदेश अध्यक्ष की कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं और हाईकमान पर दबाव भी बना रहे हैं। ऐसे में यदि सीएम वीरभद्र सिंह पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाने के लिए एनसीपी में आने का प्रस्ताव भी रखेंगे तो भी उसे नहीं माना जाएगा। डोगरा ने कहा कि किसी भी पार्टी को छोड़कर आने वाले नेता का पूरा इतिहास देखा जाएगा और सिर्फ टिकट कटने पर एनसीपी में शामिल होने का सपना देखने वालों को पार्टी नहीं अपनाएगी। डोगरा ने कहा कि किसी भी पैराशूटी नेता की सरपरस्ती में पार्टी की कमान नहीं सौंपी जाएगी। रविंदर सिंह डोगरा ने कहा कि पार्टी का अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन हो सकता है और इस बारे में बातचीत आखिरी दौर में है। सारी स्थिति साफ होने के बाद पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। डोगरा ने कहा कि इन चुनावों में एनसीपी काफी मजबूत स्थिति में है। भाजपा या कांग्रेस के साथ गठबंधन के सवाल पर डोगरा ने कहा कि इसका फैसला हाईकमान करेगा कि किस पार्टी के साथ गठबंधन किया जाना है। आजकल भी वो स्थिति बनी हुई है, वैसे तो पिछली बार भी वो स्थिति थी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले थे, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? उसके ऊपर हमारा ये कहना है कि बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि तब कौल सिंह जी को हटा के वीरभद्र जी प्रदेश की कमान चाहते थे, जो कि केंद्र में सोनिया गांधी जी नहीं चाहती थी, लेकिन दबाव उन्होंने डाला कि हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि बात सही है। आदरणीय पवार साहब से उस टाइम पे वीरभद्र जी ने कहा था कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं और मैं भी दिल्ली में उस समय मौजूद था जब 4 बजे की मीटिंग डिक्लेयर होनी थी, लेकिन उससे पहले ही सोनिया गांधी जी ने वीरभद्र जी को 3 बजे के आसपास जो अनाउंस कर दिया हिमाचल प्रदेश का प्रभार देके और कौल सिंह जी को हटा दिया गया। लेकिन इस बार वीरभद्र जी के लिए सारे दरवाजे बंद हैं। इस तरह की कोई भी चाल, चाहे वो बीजेपी का कोई सीनियर नेता हो चाहे वो कांग्रेस का कोई सीनियर नेता हो, वो नहीं चलेगी, ना एनसीपी उनको किसी को आगे आने देगी।